दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको आधार कार्ड से रिलेटेड एक नए अपडेट के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आपको पता होगा, ई आधार की वेबसाइट से हम जिनका आधार कार्ड डाउनलोड करते थे, उस आधार कार्ड के पीडीएफ फाइल को ओपन करने के लिए हमें उनके एरिया का पिन कोड इंटर करना पड़ता था। लेकिन अब दोस्तों, आप किसी के भी आधार कार्ड की पीडीएफ फाइल को यहां से डाउनलोड करते हैं तो वो पीडीएफ फाइल उनके एरिया के पिन कोड से नहीं खुलेगा, क्योंकि दोस्तों UIDAI की तरफ से ई आधार के पीडीएफ पासवर्ड में कुछ बदलाव किए गए हैं। अब दोस्तों, आप जिनका आधार कार्ड डाउनलोड करेंगे, उस आधार कार्ड की पीडीएफ फाइल को ओपन करने के लिए उनके नाम का फर्स्ट 4 डिजिट जो कि कैपिटल लेटर्स में होने चाहिए और उनका ईयर ऑफ बर्थ इंटर करके आप उस पीडीएफ फाइल को ओपन कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे दोस्तों, अगर किसी का नाम सुरेश कुमार है तो उनका पासवर्ड होगा उनके नाम का फर्स्ट 4 डिजिट यानी कि SURE और उनका ईयर ऑफ बर्थ। और दोस्तों, अगर किसी का नाम साई कुमार है तो उसका पासवर्ड होगा उसके नाम के 3 लेटर्स और उसके टाइटल का फर्स्ट लेटर और उसका ईयर ऑफ बर्थ। और अगर दोस्तों किसी का नाम P.Kumar है तो उसका पासवर्ड होगा P.KU और उसका ईयर ऑफ बर्थ। और दोस्तों, अगर किसी का नाम 3 लेटर्स में है जैसे कि रिया, तो उसका पासवर्ड होगा RIA और इसका ईयर ऑफ बर्थ। अब दोस्तों, आप जब भी आधार कार्ड की पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करेंगे, वो सारी पीडीएफ फाइल इसी तरह के पासवर्ड से खुलेंगे। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो से रिलेटेड और भी कोई सवाल हो तो आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।